हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज मैं आपके साथ सात ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिन पे 15 से 20 दिन रेगुलरली काम करने से आपकी काम पेंडिंग होने को लेकर जो कंप्लेंट्स हैं काफ़ी कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज जो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वो कुछ नया है, लेकिन कई बार पता होते हुए भी कुछ चीज़ें माइंड से स्लिप कर जाती हैं, तो उसी का रिमाइंडर है ये वीडियो। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड दो वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, जिनमें हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन दोनों के वर्क्स को विद टाइम मैंने डिस्क्राइब किया है और किस तरह से आप अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो माई फर्स्ट टिप इज़ यूज़ योर टाइम वाइजली। एक बार फिर से मेंशन करूंगी कि हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से अगर 7 आवर्स रेस्ट के लिए और 2 आवर्स मी टाइम के लिए निकाल दिए जाएं, तो भी आपके पास 15 आवर्स बचते हैं जिसमें आप पूरा घर पलट सकती हैं। बस एनर्जी लेवल हाई और थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। बाकी इतने लॉन्ग आवर्स तो हम रेगुलरली काम करते भी नहीं हैं, फिर भी इन 15 घंटों को बिना ज़्यादा हार्डवर्क आप कैसे मैनेज करती हैं वही आपका स्मार्ट वर्क कहलाएगा। जिसका फर्स्ट स्टेप होता है नोट डाउन ऑल योर वर्क्स, क्योंकि विदाउट टू डू लिस्ट टारगेट्स आप अचीव नहीं कर सकते। अदरवाइज बहुत सा टाइम और एनर्जी ये सोचने में निकल जाता है कि पहले क्या करूं और उसके बाद क्या। अगर आप किचन में खड़े होकर सोचती हैं कि आज ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में क्या बनेगा, तो फिर तो घर को मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कल पूरा दिन क्या बनेगा, और वो भी प्रिपरेशन के साथ। क्लीनिंग में कल कौन सा एरिया क्लीन होगा और लॉन्ड्री में वॉशिंग, फोल्डिंग और आयरनिंग में से कौन से एक या दो काम किए जा सकते हैं, उसके बाद कौन सा काम कौन से वक्त पे कितनी टाइम लिमिट के साथ करना है वो भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड करें। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज, क्लीनिंग या लॉन्ड्री मॉर्निंग में ही करने वाले काम हैं, ये आप इवनिंग टाइम में भी कर सकती हैं। और इनमें से अगर एक भी काम आपने शाम को कर लिया तो सुबह का कुछ बर्डन तो कम हो ही जाएगा। अपनी प्रायोरिटीज़ पहचानें और सबसे इम्पॉर्टेंट काम को टॉप ऑफ द लिस्ट और अनइम्पॉर्टेंट को बॉटम में लिखें। और लिस्ट बनाने से आपकी नज़र घर के हर कॉर्नर पर रहती है, सब काम हो जाता है और ब्रेन पे अननेसेसरी बर्डन भी नहीं जाता। सेकेंड टिप इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। टाइम को मैनेज ना कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न ही हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कि सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर काम टाइमली कंप्लीट ना होने से गिल्टी फील करते हैं, जिससे काम का बर्डन भी बढ़ता है और इरिटेशन भी। और डिस्ट्रैक्शन सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग काम करते करते कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज होती हैं जो सडनली माइंड में आ जाती हैं, बट उसी वक्त उन पर ब्रेक लगाने की बजाय एक लंबे टाइम तक उन थॉट्स में चले जाते हैं और अपनी एनर्जी डिप्लीट कर देते हैं, जो हमारे काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करती है। सोचते रहने से पास चेंज नहीं होगा। आप थोड़ी देर कुछ सोचेंगी, अपना एनर्जी लेवल लो करने के बाद जब उन थॉट से बाहर आएंगी तो भी सब वैसा ही रहेगा। तो जैसे ही कोई थॉट डिस्टर्ब करे, से टू योरसेल्फ, ये मैं क्या कर रही हूँ, स्टॉप थिंकिंग, और खुद की थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करें बाय लिसनिंग योर फेवरेट म्यूजिक। एक और चीज़ जो आजकल डिस्ट्रैक्ट करती है और सबका वैल्यूएबल टाइम भी खा जाती है, लाइक सोशल मीडिया, लॉन्ग फोन कॉल्स, चैटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ऑल इन वन मोबाइल फ़ोन। किसी भी चीज़ का यूज़ करने तक तो सही है, लेकिन उसी का मिसयूज़ मल्टीपल लॉस के सिवा कुछ नहीं देता। अगर आपको ये कंप्लेंट है कि टाइम मैनेज नहीं होता, तो बस एक दिन अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके देखें। सब काम ख़त्म करने के बाद भी एक्सेसिव टाइम आपके पास अपने लिए बचेगा। ये सिर्फ मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रही हूँ। कोई एमरजेंसी कॉल घर के किसी और मेंबर के फ़ोन पर भी आ सकती है, या फिर स्विच ऑफ करने की बजाय ड्यूरिंग वर्क आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं। और वैसे भी कोई ऐसा सुनामी नहीं आएगा अगर सब कुछ निपटाने के बाद आप फोन ऑन करती हैं। हर 2 मिनट के बाद नोटिफिकेशन चेक करने के बजाय अपने लिए एक टाइम सेट करें कि आप हर 2 या 3 घंटे के बाद फोन चेक करेंगी, या फिर पूरे दिन के काम का एक पार्ट खत्म करने के बाद 1 आवर फोन के लिए रखेंगी, जिसे आप अपना ब्रेक टाइम भी कह सकती हैं। थर्ड टिप इज मल्टीटास्क। कई लोग कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही काम किया जाए तो वो परफेक्शन के साथ होता है, लेकिन ये लॉ चलता है स्टडीज या अगर आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो। हाउस चोर्स करते करते आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, जैसे किचन में कुकिंग करते करते आप किसी पर्टिकुलर ड्रॉर को क्लीन कर सकते हैं, उसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काम करते हुए फ्रिज आप पता नहीं कितनी बार खोलती हैं, तो उसमें से जो लेफ्ट ओवर पड़ा होता है उसे भी निकाल के बाहर फेंक दें।
फ्रिज मैट्स क्लीन किए जा सकते हैं, धुले हुए बर्तन जो ड्राई हो चुके हैं उन्हें उनकी जगह पे रखा जा सकता है, सामान उठा के किचन काउंटर की डीप क्लीनिंग की जा सकती है। चाय बनाते वक्त फोन पे लगे रहने से बेटर है कि आप नेक्स्ट मील के लिए कुछ चॉपिंग कर लें। और ये मिस्टर उदय, जिनको हर एक घंटे में भूख लगती है और हर बार खाने के लिए उसे कुछ नया चाहिए जो वो अपने लिए खुद कुक करता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपका उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुक करने का बर्डन कम हो जाता है, स्पेशली तब जब बच्चों को भी कुकिंग का शौक हो। मैं इस मामले में लकी हूँ। मल्टीटास्क करने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे कम टाइम में ज़्यादा काम निपटाए जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि सिंगल सिंगल काम पे फोकस करके आप ज़्यादा टाइम घर के कामों में यूटिलाइज करना चाहती हैं, या फिर जिस भी एरिया में आप कुछ काम कर रही हैं वहाँ अगर कुछ और करने लायक दिखता है तो उसे भी साथ ही में करके अपना बर्डन कम कर सकती हैं। फोर्थ टिप इज़ मैनेजिंग वर्क विद गेस्ट्स। हम रेगुलरली अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, बट अगर घर में अचानक गेस्ट आ जाएं, क्या तब काम मैनेज किया जा सकता है? अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली, गेस्ट प्रॉपर इन्फॉर्म करके आते हैं, और दूसरी, कई बार आपको कुछ ही मिनटों पहले पता चलता है कि गेस्ट आ रहे हैं। चलिए, अगर तो गेस्ट दो दिन पहले इन्फॉर्म करके आ रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। लेकिन अगर इस बारे में सडनली पता चले तो भी पैनिक होने की बजाय 5 मिनट आराम से बैठ जाएं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना काम चेंज कर लें। अगर आपका अभी क्लीनिंग पार्ट बाकी है तो घर के जिन एरियाज को गेस्ट यूज़ करने वाले हैं और अगर वो एरियाज मैसी हैं तो जल्दी से वो सारा सामान एक लॉन्ड्री बास्केट में डालें और कहीं साइड पे रख दें, क्योंकि इस वक्त एक एक सामान को उठा के उसकी जगह पे रखना ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन उनके जाने के बाद चीज़ों को ठीक से अरेंज किया जा सकता है। अगर कोई गेस्ट बिना इन्फॉर्म किए भी आ जाते हैं तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेगुलरली अपना काम प्लान करते ठीक से करती हैं तो मुझे नहीं लगता कि थोड़े टाइम या एक या दो दिन के लिए अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम ना करने से आपका बर्डन बढ़ जाएगा। इंजॉय हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी को भी इंजॉय करें, इट्स लाइफ। सब कुछ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही चले ये ज़रूरी तो नहीं। इवन अपनी लाइफ को लेके भी हम कितनी प्लानिंग्स करते हैं और सिचुएशन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही आए, ऐसा कहाँ हो पाता है। और यहाँ जो वर्ड काम करता है वो है एडजस्टमेंट्स। जो गेस्ट हमारे घर आते हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं तो आते हैं, सो अटेंड देम रिस्पेक्टफुली। काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप इज यूज योर टाइम वाइल वॉचिंग टीवी। जब मैं छोटी थी तो सब बच्चों की तरह टीवी देखना मुझे भी बहुत पसंद था, और मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, टीवी इज एन इडियट बॉक्स, और वो आज भी यही कहते हैं। फिर भी टेलीविजन पे कोई ना कोई फेवरेट शो सबका होता है, लेकिन शो देखने के साथ साथ अगर इस टाइम को किसी दूसरे काम को निपटाने के लिए भी यूज किया जाए तो ऑब्वियसली आप अपना 1 से 1.5 घंटा सेव कर सकते हैं। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, आजकल मेरा फेवरेट शो चल रहा है तो 3 मंथ्स के लिए मेरा टीवी टाइम फिक्स हो गया है। लेकिन टीवी पे टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आप ऐसे कई काम निपटा सकती हैं जो जनरली करना आपको बहुत बोरिंग लगता है, लाइक कपड़ों को आयरन करना, कपड़ों को फोल्ड करना, गार्लिक पील करके स्टोर करना और एनी अदर चॉपिंग। इस तरह काम करने से आपको बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है और कब काम खत्म हो गया पता ही नहीं चलता, और आप एक क्वालिटी टाइम खुद के लिए सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप पे शेयर योर वर्क विद फैमिली। मान लें वर्कलोड ज़्यादा है और टाइमली आप काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इरिटेट होके आप एग्रेशन को इनविटेशन देंगी, लेकिन उस कंडीशन में जाने के बजाय आप स्मार्टली अपने काम को दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकती हैं। कौन सा फैमिली मेंबर कौन से काम में आपकी हेल्प खुश होके कर देगा ये भी आपको पता होना चाहिए। सो किसी भी वे में थोड़ा थोड़ा काम सबके साथ शेयर करते रहें। ऐसा करने से फैमिली बॉन्डिंग भी बनी रहती है और काम भी बिना बर्डन के कंप्लीट हो जाता है। कोई भी छोटा हो या बड़ा, लेकिन किसी को ऑर्डर देने की बजाय प्लीज वर्ड का यूज मैजिक का काम करता है। हंसते खेलते तो दुनिया जीती जाती है, ये तो बस मेंबर्स ऑफ द हाउस है। सेवेंथ एंड लास्ट टिप इज अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं और माइंड की परमिशन के बिना बॉडी मूव भी नहीं कर सकती। सो घर के कामों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फैमिली के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेडी घर में क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग सब काम करती है, अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसके काम को क्रिटिसाइज भी ना करें। हम लेडीज सालों कुकिंग करती हैं, लेकिन कई बार खाना बनाते वक्त कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो फैमिली इसे इग्नोर भी कर सकती है, या फिर बहुत ही डिसेंट वे में बताया जा सकता है कि खाने में क्या कमी है। लेकिन कई घरों में इस चीज़ को बहुत रूडली बोला जाता है जिससे पूरा एटमॉस्फेयर ही नेगेटिव हो जाता है। सो लेडीज, इस तरह की नेगेटिविटी आप स्मार्टली इग्नोर करें, अपने काम पे फोकस करें। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करें, खुद को अप्रिशिएट करें कि आप एक बेस्ट होममेकर हैं।
काम घर का हो या बाहर का, लेकिन अगर बर्डन समझ के किया जाए तो बहुत तकलीफ देता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है जिससे कोई बोरिंग काम आप दूसरों से करवा सकें, देन फाइन। अगर पता हो कि रोते करें या हंस के करें, खुद को ही करना है, देन डोंट बोदर। उस काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो बी एक्टिव, बी स्मार्ट, से टू योर सेल्फ आई एम द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।